आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको M2 Pro के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि MIUI 12.0.4.0 का अपडेट है ये लेटेस्ट। और यहाँ पे आपका जो है जो भी चेंजेस हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट के साथ देखने को मिलती है। जो चार्जिंग इशू था वो भी यहाँ पर फिक्स हो चुका है, और भी यहाँ पर जो चेंजेस हुए उनके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या जो है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा दूं अबाउट फोन में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपडेट आया हुआ है कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें मिल जाता है। और यहाँ पे चेंजेस आपको दो ही मिलते हैं, जो कि एक सोमी क्लाउड के लिए, एक आपका सिक्योरिटी पैच जो कि आपका अपडेट कर दिया गया, जो कि सबसे लेटेस्ट बिल्कुल मे का ही सिक्योरिटी पैच मिलता है इस डिवाइस को, बिल्कुल सबसे लेटेस्ट जो कि डिवाइस यहाँ पे मिला है इस डिवाइस को। और यहाँ पे अगर आपको अपडेट करना, अगर आपके फ़ोन में अपडेट नहीं आया तो आप यहाँ से भी आप अपडेट जो कि चूज़ पैकेज अपडेटर था उससे भी आप आराम से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको रोम की दे दूंगा, तो आप यहाँ पे इस 3 डॉट पे जाके चूज़ अपडेट पैकेज जो है इससे आप रोम को सेलेक्ट करके फुल रोम को डायरेक्ट आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि अगर आप चाहो तो वेट कर सकते हो, जिनका अपडेट नहीं आया है उनको भी जो है जल्द ही मिल जाएगा। जिन अगर आपको तुरंत चाहिए तो आप यहां से रोम फुल डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो। हालांकि आपका अपडेट ना आए तो यहां से जो है टैप कर लेना MIUI जो कि लोगो है उस पर, तो आपका यहां पे चूज़ अपडेट पैकेज जो है ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप चूज़ करके जो है फाइल को डायरेक्ट प्लस कर लेना। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर जो है अपडेट करता हूँ, रिबूट करके आपको आगे दिखाता हूँ क्या कुछ जो है हमें चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसे कंप्लीट करता हूँ, और यहाँ पे जैसे कि मेरा ये जो है कंप्लीट हो चुका, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे मेरा जो है अपडेट हो चुका है, देख सकते हो 12.0.4.0 स्टेबल। और वर्ड्स ने तो आपका बिल्कुल सेम ही है, जैसे कि एक तो सिक्योरिटी पैच के लिए और सोमी क्लाउड का आपका ये हो चुका है। और अपडेट के लिए ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके से जो है आपको टैप करना, उसके बाद अपडेट जो कि आता है चूज़ अपडेट पैकेज उस पर जाके आप रोम को सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि अब हम चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है अभी भी आपको 10 ही देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 11 जो है अपडेट आएगा, लेकिन ये मे बी जो है आपको MIUI 12.5 के अपडेट के साथ मिले। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच आप देखोगे तो बिल्कुल मे का देखने को मिलता है, पहले जो है फरवरी का हमें देखने को मिल जाता था, लेकिन अभी जो है डायरेक्ट फरवरी से यहाँ पर डायरेक्ट हमें देखने को मे का मिल रहा है, जो कि सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, तो ये हमें मिल जाता है। और हालांकि सेटिंग में यहाँ पर तो फिलहाल आपको चेंजेस नहीं मिलता। लॉक स्क्रीन में अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है, और जो हमारा डिस्प्ले है इसके अंदर भी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस हमें नहीं मिलने वाला है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर भी हालांकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, साउंड एंड वाइब्रेशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं है, सब पहले वाले हैं। पूरी सेटिंग देखने के बाद आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। होम स्क्रीन तो फिलहाल लॉन्चर के साथ ही यहाँ पे जो सेटिंग्स होती हैं चेंज। वॉलपेपर के अंदर क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो थीम स्टोर है, थीम स्टोर के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और यहाँ पे आपका होम स्क्रीन में चलते हैं, यहाँ पे कैटेगरी हमें पिछले अपडेट में भी मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहा था, जो कि इसका पिछला वर्जन था, तो यहाँ पे जैसे कि देखने को मिल रहा है, हालाँकि ये मुझे पिछले अपडेट में भी देखने को मिल रहा था बिल्कुल सेम। एंड यहाँ पर अगर हम चलते हैं इसके, फिलहाल यहाँ पे वॉलपेपर तो ऑलरेडी हो गया, थीम भी ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ, सिक्योरिटी आपका सेम है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन आप देखोगे तो ओल्ड ही आपको मिलेगा, अभी ये लेटेस्ट नहीं है। और यहाँ पे मेन जो आपका चेंज मिल जाता है अभी बैटरी के अंदर, हालांकि आप अपना सिस्टम अपडेट के अंदर जो ऐप अपडेट आपको मिलते हैं उनको अपडेट कर दोगे तभी ये लेटेस्ट मिलेगा, नहीं तो बैटरी भी आपका ओल्ड ही देखने को मिलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। हालांकि बैटरी में जो चार्जिंग इशू था वो यहाँ पे आपका फिक्स किया गया इस अपडेट में, जो कि डिस्कनेक्ट हो जाता था तो वो इशू फिक्स किया गया। बाकी बैटरी का जो रीडिजाइन आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू मिलता है, ऊपर बैटरी सेवर एंड बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, अब पूरा रीडिजाइन किया गया यहाँ पे, जैसे कि अभी लेटेस्ट में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये लेटेस्ट है आपका यहाँ पे। और एडिशनल सेटिंग्स के अंदर फिलहाल आपका जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले जेस्चर है इसमें अभी भी हमें पिल जो कि यहाँ पे मिलता है इंडिकेटर वाला, वो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे इसके अंदर। और बाकी तो आपका बाहर सेम रहने वाला डिजिटल बेलविंग, जैसा कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलता। और स्पेशल फीचर्स के अंदर भी आपका जो गेम टर्बो है, तो इसका जो यहाँ पे स्टार्टिंग का इस तरीके से एनिमेशन आता है, ये पहले भी था, हालांकि लैंडस्केप पे ये हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है लैंडस्केप अगर आप करोगे अपने गेम टर्बो को तो आपको देखने को इसी तरीके से मिलता है, तो ये पहले भी था। हालांकि सेटिंग में आप देखोगे तो कोई चेंजेस में देखने को नहीं मिलती इसके अंदर, वॉइस चेंजेस तो फिलहाल अभी नहीं मिलता, शायद तक ये जो है एंड्रॉयड 11 में ही हमें देखने को मिलेगा। और
बाहर कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर हम कैमरे में चलते हैं तो कैमरे की भी पूरी सेटिंग्स मैं यहाँ पे चेक कर लिया। हालांकि सेटिंग में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता, पिक्चर क्वालिटी जैसी थी आपकी उसी तरीके से, उसमें भी आपको कोई फ़र्क नहीं मिलता है यहाँ पे। और आपका जो स्लो मोशन हो गया, ये सारी सेटिंग्स आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है, पहले की तरह ही है, इनमें भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। हालांकि हम बात करें यहाँ पे चेंज के मामले में तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अगर आप अपना सिस्टम अपडेट, जो कि ऐप सिस्टम ऐप के अपडेट हैं, उनको अपडेट करोगे तो ज़रूर कुछ चेंजेस आपको मिलेगी। और हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल है, ये भी आप देखोगे तो ओल्ड ही है, अभी ये लेटेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो तो सिस्टम यूआई जो कि आता है एप्लीकेशन इसका, उसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो लेटेस्ट हो जाएगा आपका वॉल्यूम पैनल भी। और पावर मेन्यू भी आपका ओल्ड ही अभी मिलता है, जो कि आगे ज़रूर न्यू आएगा, MIUI 12.5 में तो कन्फर्म ही हो जाएगा न्यू। आपका कंट्रोल सेंटर भी पहले की तरह है, बिल्कुल स्मूथ है, इसके अंदर भी कोई चेंजेस हमें नहीं मिलते थे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चेंजेस थोड़े बहुत हुए, लेकिन जो भी चेंजेस हुए अच्छे हुए हैं। और हमारा जो इंटूटू स्कोर यहाँ पे है 2,73,000, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछला जो अपडेट था उससे ज़रूर यहाँ पे काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे इंप्रूव हुई है, जो कि पिछले अपडेट में थोड़ी सी डाउन हुई थी। पबजी में भी टच रिस्पॉन्स जैसे कि होता है, उसमें भी इशूज थोड़े बहुत देखने को मिल रहे थे, काफ़ी लोगों को देखने को मिल रहे थे। हालाँकि हमारा जो सेम वाला सेटिंग्स है, ये जो है बिल्कुल सेम है, जो कि पिछले अपडेट्स में ये चीज़ चेंज हुआ था, अभी लेटेस्ट अपडेट में ये चेंज नहीं हुआ है, पिछले अपडेट में ये जो है चेंज हो गया था। बाकी और कोई चेंजेस आपको नहीं मिलती, बस यहाँ पे मेन जो चेंजेस हुए, आपका सिक्योरिटी पैच है, बैटरी यूआई आपका चेंज है, और आपका जो चार्जिंग इशू था वो फिक्स हुआ है। और साथ साथ यहाँ पे जो परफॉर्मेंस का इशू था वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। आपकी पबजी में भी टच इशूज काफ़ी लोगों को देखने को मिल रहा था चीज़, तो वो भी यहाँ पे जैसे कि फिक्स किया गया इस अपडेट के अंदर, तो आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छी मिलेगी, टच रिस्पॉन्स भी आपका पहले से बेटर हो चुका है। तो बस यही चेंजेस मेन जो आपको देखने को मिलते हैं इस अपडेट के अंदर, और कुछ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।